तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में जैसे ये बोलेरो है एग्जांपल लिया है और ये 2 महीना से पड़ा हुआ है, ओके 2 महीना से गाड़ी पड़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हो स्टार्ट लेगा या नहीं लेगा। तो विंटर का सीजन चल रहा है, सर्दी का सीजन चल रहा है फ्रेंड, तो बैटरी हमने चेक किया तो पूरा डाउन हो चुका है। तो हमने घर पर बैटरी चार्ज कर चुका है 100%, ओके ना, और बैटरी को लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड अगर आपकी गाड़ी जो है 2 महीना या 3 महीना से पड़ी हो, आप उसे स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी फ्रेंड, क्योंकि जो और विंटर का सीजन है तो और नहीं स्टार्ट होगा। तो आप जो करें पहले बैटरी को चार्ज करें और 2-3 महीना से ये जो पड़ा है हम चेक करेंगे। पहले तो हम बोनेट जो है खोल लेंगे इसका और बैटरी इसमें लगाएंगे। चलते हैं हम लोग बाहर। अब हम हुड को खोल लेंगे इस तरह से, ये यहाँ पे फिर एक रड होता है इसको इसमें लॉक कर लेते हैं और उसके बाद हमारा बैटरी है इसको उठा करके बैटरी को सेट करते हैं बोलेरो के अंदर और देखते हैं स्टार्ट होता है या फिर नहीं। यहाँ पे हम लोग देखिए थोड़ा सा कचरा है तो इसको हटा देते हैं, ये कचरा हट चुका है। और यहाँ पे रिंच हमने जब खोला था तो रख दिया था यहीं पे, ये रिंच साइड में रख लेते हैं। और ये देखिए आपका माइनस है और उधर जो है प्लस है, तो इसको रख लेते हैं। आप ये कैसे जानोगे कि माइनस कौन है प्लस कौन है? तो माइनस जो अर्थिंग होता है बोलेरो के बॉडी में और ये अर्थिंग होगा इंजन में, वो जो होता है माइनस होता है, ये जो है प्लस है। प्लस होता है जो कि सेल्फ और फ्यूज बॉक्स से कनेक्टेड होता है प्लस वाला वायर, तो इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया। तो हम इसको अच्छे से सेटल करके अब हम इसको थोड़ा सा ये जो लॉक है इसको अंदर कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो है अब हम सबसे पहले माइनस का ये जो हो गया माइनस को हमने लॉक कर दिया एंड प्लस को अच्छा तरीका से थोड़ा सा कार्बन वगैरह भी 2-3 महीना के अंदर लग चुका है इसमें, तो थोड़ा सा कसने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब नट वगैरह सारा चीज़ कार्बन लग चुका है इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो इसको कसने के बाद हम लोग देखेंगे कि बोलेरो स्टार्ट होता है या फिर नहीं। बिल्कुल आप बने रहे हैं इस वीडियो में देखने के लिए आखिर 2-3 महीना से आपका गाड़ी पड़ा हो तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं। तो हम लोग कस लेते हैं इसको पहले अच्छे से, ये कसा गया शायद, हाँ थोड़ा सा और है क्योंकि नट स्लिप कर जा रहा है इसके कारण से नहीं कसा रहा सही तरीके से। और फिर भी इसको कोशिश करते हैं, ये हमारा जो है कसा गया है, ये प्लस कसा गया। अब हम थोड़ा माइनस को देख लेते हैं, टाइट से थोड़ा कस देते हैं क्योंकि अर्थिंग भी अब कसा चुका है। और अब हम चाबी को उठाते हैं और सेल्फ स्टार्ट करेंगे गाड़ी का, ये देखने को अगर स्विच ऑन करते हैं तो डैशबोर्ड में, अगर स्विच ऑन किए तो ये लाइट तो डैशबोर्ड में आ रहा है प्लस माइनस सारा चीज़ का। अब हम क्लच लेकर के गाड़ी को न्यूट्रल मोड में डाल देंगे और देखिए सेल्फ मार रहे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है, मतलब कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। तो हम सर्च करते हैं कि आखिर क्या है, कार्बन ज़्यादा लगाओ या फिर क्या है। तो फ्रेंड इसका पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बोलेरो स्टार्ट किया जा सकता है फ्रेंड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और पार्ट 2 हम जस्ट कुछ ही घंटों या कुछ दिनों में लेकर के आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप बने रहें इस वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।